खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां गैंग रेप से पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने के लिए अगस्त क्रांति के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी ममता कुंज बिहारी तिवारी एवं जनपद सदस्य शिवकली पटेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ने थाना का घेराव किया। अगस्त क्रांति के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने एडिशनल SP मऊगंज विवेक कुमार लाल एवं SDOP मऊगंज नवीन दुबे से मांग करते हुए कहा कि मां अष्टभुजा धाम में संचालित शराब दुकानों को बंद कराया जाए, महाविद्यालय के पास पुलिस द्वारा गश्त कराई जाए एवं अष्टभुजा धाम में चौकी की स्थापना की जाए, ताकि नई गढ़ी अंचल की बहन बेटियों की दोबारा इज्जत ना जाए और नई गढ़ी अंचल की बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। वहीं मऊगंज एडिशनल SP विवेक कुमार लाल एवं SDOP मऊगंज नवीन दुबे ने भरोसा दिलाया है कि तत्काल कदम उठाए जाएंगे। आइए सुनते हैं क्या मांग की गई है। नहीं नहीं, अपने भाई लोग हैं और तुम्हारे सदस्य होंगे, तुम्हारे घर की बेटियां होंगी, बहुएं होंगी, जो भी है, हमको साल में दो लोग तो दे दो, कम से कम 6 घंटे हम आपके साथ मदद करने को तैयार है अपने गाँव के लिए। हर गाँव से 5 आदमी देंगे, 5 आदमी देंगे। लेकिन दिक्कत कहा आ रही है कि जो हमारा 5 आदमी यहाँ सूचना देता है अपराध की, उस अपराधी को पहले पता चल जाता है कि आदमी ने सूचना दी। आप सब ने सुना और देखा है कि पिछले शनिवार को हमारे शक्तिपीठ मास्ट पूजा धाम दर्शन करने आई एक बहन, जो अपने सगे संबंधी के साथ आई हुई थी, और दर्शन के बाद वहाँ बगल में प्रपात है, उसको जैसे देखने गई 6 दरिंदों ने जिस तरह से दरिंदगी की, उससे हम और पूरा सभ्य समाज शर्मिंदा है। मास्ट पूजा हम सब की आस्था की देवी है और सुख दुख में हम सब निरंतर वहाँ जाते हैं, हर घर से बहन बेटियाँ जाती हैं, लेकिन इस तरह के कृत्य से सभी सुरक्षित हैं। आज सुबह हम लोग जाके मास्ट पूजा के धाम पे प्रार्थना और क्षमा याचना के बाद पैदल चल के यहाँ तक आए हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल वहाँ सुरक्षा चौकी स्थापित की जाए और जो अष्टभुजा धाम परिसर है वहाँ CCTV कैमरे लगाए जाएं। लालगंज जो अष्टभुजा चौराहा है वहाँ पे जो शराब दुकान है वो अपराध की बहुत बड़ी जड़ है, क्योंकि वहीं बगल में कन्या छात्रावास है, मॉडल स्कूल है, और दूर दराज से जो गरीब घरों की माताएँ बहनें आती हैं जिनके अपने वाहन नहीं हैं, वहाँ से बस से और ऑटो से उतरती हैं और ये लफंगे वहीं पे रहते हैं शराब की दुकान के पास, वहीं से जाके और पीछा करके इस तरह का कृत्य कारित करते हैं। ये घटना पहली बार नहीं है, हम लोगों ने 6 महीने पहले एक ज्ञापन दिया था तहसीलदार साहब को और मीडिया के सारे साथियों ने, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया भी था, लेकिन कोई कार्यवाही ना होना इस घटना का कारक है। अगर उस समय कार्यवाही हो गई होती तो इस तरह की घटना ना होती। पीड़ित एक बात का कष्ट है हमें कि अपराध और अपराधी, पीड़ित की क्या ताकत है उसके हिसाब से लोग समर्थन करते हैं, अपराधी कैसा है उसके हिसाब से उसका विरोध करते हैं। पीड़ित एक गरीब है, बहुत ही गरीब है, नहीं तो यहाँ आप सब ने देखा है दिल्ली और बॉम्बे की घटनाओं पे कैंडल मार्च करते हैं और रोड नई गढ़ी की जाम रहती है, लेकिन अपने नई गढ़ी की एक पीड़ित बहन को न्याय दिलाने के लिए लोग मौन है, और ये मौन जो है सबसे बड़ी घटना का कारण है। हमारी 4 मांगे हैं, पहली है कि वहाँ चौकी स्थापित हो, दूसरा CCTV कैमरा लगे, तीसरा चौराहे पे जो दुकान है अष्टभुजा चौराहे पे वो तत्काल हटाई जाए, और पुलिस गश्त हमारी जो महाविद्यालय है वहाँ और अष्टभुजा धाम चौराहे पे निरंतर की जाए। एडिशनल SP साहब ने कहा है कि बल कम है, हमने मांग पत्र में भी ये रखा है जो हमारा ज्ञापन है कि पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराया जाए। जो क्षेत्र है नई गढ़ी का उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगता है, जो पहाड़ से जुड़ा हुआ है और पहाड़ के रास्ते कोरेक्स गांजा और शराब माफिया इस पार से उस पार भी करते रहते हैं, यहाँ तक पुलिस बल बढ़ाया जाए, वाहन व्यवस्था की जाए, 100 डायल यहाँ बीमार पड़ी है, 12 की संख्या में पुलिस बल है। नई गढ़ी जनपद में केवल नई गढ़ी में 76 पंचायतें हैं, उसके अलावा भी और जनपदों की भी पंचायतें लगती हैं, तो यहाँ पुलिस की संख्या भी बढ़ाई जाए। सामने आप लोग बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा नाम शिवकली पटेल है, मैं जनपद सदस्य हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ माँ अष्टभुजा के पास, वहाँ दारुओं की और फोरेस की बहुत ज़्यादा दुकान है और बिक्री होती है, इसलिए मैं एक लड़की के साथ वहाँ बलात्कार कर हुआ है, इसलिए हम लोग थाने में बैठे कि उनकी सख्त कार्रवाई की जाए उस लड़की की, और जो लफंगे हैं उनको पकड़ा जाए, थाने में उनको पकड़ा जाए, और ये दुकान बोरेक से और दारू की दुकान वहाँ से हटाई जाए। आप बंदी को लेकर धरने में बैठे हुए हैं,
अभी एडिशनल एसपी साहब से आपकी बात हुई, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? देखिए क्या करते हैं, आ तो रहे हैं एसडीएम साहब जी, फिर वो बताते हैं क्या हो, अगर नहीं हमारी यहाँ से मांग पूरी होती है तो हम रीवा जाएंगे, रीवा से मांग पूरी करेंगे, मगर इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू।